हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक्सरसाइज 3.2 पढ़ ली थी, लीनियर इक्वेशंस के, यानी वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इक्वेशन बनाना और कुछ ग्राफ बनाना आपने सीखा था। ज्यादा बड़ी बात अब तक आपने नहीं सीखी। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन और तरीके। एक तरीका आपने पढ़ लिया ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ बना के आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाकी तीन मेथड और है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बच्चों तो तीन मेथड हम पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज ये हो जाएगी 3.3 में ये होगी, एक्सरसाइज 3.4 में ये, एक्सरसाइज 3.5 में ये, ऐसी ऐसी इक्वेशन होगी, फिर अगली में वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं ऑप्शनल है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है प्रतिस्थापन, यानी एक को हटा के दूसरा बच्चा बैठ जाना। जैसे यार राम बैठा, श्याम आया, श्याम ने राम को बोला तू हट, तेरी जगह मैं बैठूंगा, तो राम को श्याम ने प्रतिस्थापित कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई की जगह वे भी पुट करना, ठीक है, प्रतिस्थापन। अब बच्चों कोई आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप इसको समझते जाना, सुनते जाना, वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करना, फिर सुनते रहना। तो मैंने इसको इक्वेशन, मैं अभी एक्सरसाइज 3.3 सीधी एक्सरसाइज चालू करूंगा, एग्जांपल आप खुद पढ़ लेना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। एक्स की जगह वाई का वैल्यू, वाई की जगह एक्स का वैल्यू, ये थोड़ी चीज ध्यान रखना। तो फ्रॉम 2 या फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 एक्स की जगह कितना आएगा, या फ्रॉम 2 एक्स की जगह या वाई की जगह, कोई एक चीज। तो मैं अभी आपके पास कई तरीके होंगे, फ्रॉम 2 दो इक्वेशन में क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये वाई इधर ले जाओ तो 4+y या y+4 होगा, ठीक है ना। एक्स इधर छोड़ दिया, वाई इधर चला गया, माइनस का प्लस हो गया, तो एक्स की जगह y+4 हो गया। इसको आप नंबर 3 दे देना, ठीक है। ये आया किधर से ये लिखना, ये 3 इक्वेशन नंबर 2 से आया, आपकी मर्जी। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 करते तो एक्स की जगह 14-y होता, या 4+y हो गया, या y+4 हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, ये x का वैल्यू है, ये 3 इक्वेशन नंबर 2 का माल है। इस x को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखना, इसको 2 में मत रखना, क्योंकि 2 का तो ये है ही, 2 का रखा तो आपको 4 = 4 मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर आपने इक्वेशन 2 में रखा तो आपको मिलेगा 4 = 4। घर जाके मम्मी पापा पूछेंगे आज क्या सीखा, तो बोलोगे मैं तो ये सीखा को 4 और 4 बराबर होते तो कोई फायदा नहीं होगा, घर बैठ जाओ। इसलिए 2 से आपने लिया है तो 1 में रख दो, या 1 से लिया तो 2 में रखना, ये चीज ध्यान रखना। सेम इक्वेशन में वापस मत फेंकना, कई बार बच्चे करते हैं, मैंने देखा आंसर शीट चेक किए, ये 2 का वैल्यू 2 से एक्स के निकालना है, वापस 2 में डालिए। अब मैं चलो करके दिखाता हूं, एक्स की जगह आप y+4 डालिए 2 में, y+4 - y = 4, तो क्या होगा, वाई से वाई कट गया, 4 = 4 है, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। 2 का माल है, 1 में रखना, 1 का है तो 2 में रखना। अब लिखना पुटिंग वर्ड लिख दो, या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने रखा, वी गेट, तो आपको क्या मिला 1 में 2 से, जहां जहां एक्स है ना, एक्स इस एक्स की जगह y+4, ये जो चीज है ये उठा के यहां रख दो, तो y+4 कहां रखा, मैं इधर आ जाता हूं, y+4 ये y+4 इस एक्स की जगह रख दिया, ठीक है ना, ये x x है ना, फिर ये y वहां पर लिख दिया, +y,
प्लस वाई अब इक्वल टू क्या 14 है। अब आप क्या करना, वाई और वाई मिला के 2y हो गया, 2y 2y प्लस 4 इक्वल टू 14 इधर लिख देते हैं। तो अभी 4 इधर लाइए, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू कितना हुआ 14 माइनस 4 हो गया 10, y इक्वल टू क्या हुआ 10 बाई 2 सीधा लिख दो कोई दिक्कत नहीं 5, y का वैल्यू 5 आया। आपको x का और y का वैल्यू पता करना बच्चों, y का वैल्यू 5 आया। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है, 3 इक्वेशन है। इस y को आप किसी भी इक्वेशन में रख दिया, आपको रख दो, आपको x का वैल्यू मिलेगा। सबसे जो सिंपल इक्वेशन उसमें डालना, आपका कैलकुलेशन में कम टाइम लगेगा, कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो पुटिंग इट इन वन, तो पुटिंग इट इन, तीन में रख लो 3, तो क्या मिला x इक्वल टू y की जगह ये 5 यहां रख रहा हूं, 5 प्लस 4 x इक्वल टू क्या आया 9। अब ये आगे तो एक चीज आदत डाल लेना, फाइनल आंसर हमें कंक्लूड करना है, तो वी विल राइट दस x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 हमारा आंसर बॉक्स में बंद कर देना, दिस इज द आंसर। अब चेक करना कि क्या आपका आंसर गलत है कि सही है। x और y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देना, LHS RHS इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना, 9 एंड 5 वन में चेक कर लो, 9 प्लस 5 14 होता है, तो 14 बराबर 14 वो भी ठीक है। या 2 में रख लो, एक्स 9 वाई 5 है, तो 9 माइनस 5 4 होता है, तो 4 बराबर 4 ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आपका सही है और आपके पड़ोसी का गलत है, तो आप दिसीदार तक बताओ, ये समझ में आया होगा आपको। इसी का पार्ट टू बच्चों में एडिंग कई सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको प्रैक्टिस होगी। या एक्स और वाई की जगह हमने यहां इस किताब वाले ने एस एंड टी दे दिया। अब एस माइनस टी 3 ये तो अच्छी, ये अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है। आपके पास दो तरीके, बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि इसका एलसीएम लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हाँ बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 तो अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। इक्वेशन 2 अच्छी नहीं, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। रीजन क्या, बिकॉज या फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन से पीछा छुड़वाने का मतलब है, बहुत सारे टीचर आपको यही बोलेंगे ज्यादातर, और सही भी, गलत नहीं उनका, मैं नहीं बोल रहा वो गलत बोल रहे हैं, बट अच्छा वो क्या बोलते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बच्चों। मैं आपको सीधा बताऊं, आप इसका एलसीएम कितना 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है, एक स्टेप आप कम लिखे तो चल जाएगा, कम टाइम में हमारा काम हो जाएगा। आजकल दुनिया तेजी से भाग रही है, हमारे पास वक्त नहीं, इसलिए कम समय में आपको क्वेश्चन कर ले। तो आप मन में सोचिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को इसको नंबर 2 दे दो चलेगा, या मत दो वो भी चलेगा, क्योंकि अभी क्या करेगा, इसको क्या करने का 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 से इसको भी करना, इसको भी करना, इसको भी करना। तो जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन से पीछा छूट जाएगा, यानी भिन्न जो है हट जाएगी, इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या होगा, मैं इसको 6 इंटू s/3 प्लस 6 इंटू t/2 एंड इक्वल टू 6 इंटू 6। यहां आप लिख देना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, बोथ साइड्स बाय 6, यह आपने काम किया। अच्छा, अब क्योंकि जब एलसीएम से क्या एलसीएम तो इनकी टेबल में आता है, तो कटेगा जरूर, ये क्या हुआ कटा 2 आया। तो ये काट छांट के अपनी नोटबुक को गंदा मत करना, मैं तो सीधा बोलूंगा इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 और 2 काटा 6 तो 2s, ये कटा तो प्लस 3t इक्वल टू 36 आ गया। ये अच्छा है, ये अच्छा किए, निश्चित रूप से ये अच्छा लगा, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। तो ये चीज अब आप डायरेक्ट कर, अगले स्टेप में, अगले क्वेश्चन में ये सब 6 से मल्टीप्लाई करके आप दिखाना नहीं है,
आप सिर्फ सोचना, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से करूंगा, यार 6 ऊपर होगा कटेगा तो 2 हो जाएगा, नहीं इधर 6 करूंगा तो 6 बाई 2 कितना होता है, 6 बाई 2 3 होगा तो 3t लिख देंगे, 6 इंटू 6 36 लिख देंगे। इसको आप 2 नंबर दे दो, तो इसको 2 नंबर दे दो। अब आप ये जो है ये वाला, ये पूरा भूल जाओ, भूल जाओ कि ऐसा कुछ कभी था आपके पास। हम इसको और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन से एस या टी का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं? इसमें दो एस है तो इससे एस लाना थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन वन से हम इक्वेशन वन के साथ पंगा लेते हैं। तो फ्रॉम वन क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होगा, 3+t होगा, 3+t, एस इक्वल टू 3+t। इसको आप दे दो नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। अब ये आपको माल मिला कहां से, एक नंबर से मिला, तो एक का माल एक में नहीं डालना, दो में डालना, ठीक है। एक का माल दो में, दो का माल एक में, एक का दो में, ठीक है, ध्यान। अब बच्चों ये वैल्यू कहां रखेंगे, एक से लिया तो दो में रखना, ठीक है। पुटिंग इट इन वन का है तो टू में रख दो, टू क्या मिला, जहां जहां एस ये तो ऐसा नहीं, यहां इसकी जगह 3+t रख देंगे, 2 × 3+t + 3t = 36। अब देखो ये एस आ गया, अकेला टी तो आप नाइन में सीखा, वन वेरिएबल तो ब्रैकेट खोलिए, आंसर लाइए 2 × 3+t, तो क्या हुआ 2 × 3 = 6, 2 × t 2t हो गया प्लस 3t हो गया = 36 हो गया। अब क्या हुआ ये 2t, ये कितना हुआ बच्चों, देखिए ये हो गया 5t = मैं लिखूंगा 36 माइनस 6, ये 6 इधर आ गया, तो क्या होगा 5t = 30, t = 30 by 5, तो t = सीधा मैं 6 लिख दिया, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ओके। तो 5t = होगा 30, t = 30 by 5, t = 6 आ गया, जो आया वो बॉक्स में बंद कर दो, ये हमारा काम का चीज। इस टी का वैल्यू अब यहां रख दो, इस टी का वैल्यू जो अच्छी है, 1 भी अच्छी है, 2 तो ज्यादा अच्छी नहीं है, ये सबसे अच्छी क्योंकि कम कैलकुलेशन वाला काम है। तो पुटिंग इट इन 3, वी गेट हम प्राप्त करेंगे, पुट मीन्स रखना हिंदी वालों, s = 3+6, तो क्या हुआ s = 9। अब क्या फिर लिख देना 10, अर्थात हिंदी वालों अर्थात s = 9, t = 6, एक बॉक्स बना देना, एक डब्बा बना देना, डब्बा, यह हमारे उत्तर है। एक बार कम टाइम लगे वेरीफाई कर लेना s - t इक्वेशन वन को, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा, क्या ये संतुष्ट कर रही है ये मान, 9 - 6 = 3, तो उधर भी 3 इधर भी 3, इसका मतलब आपका सही आपके पड़ोसी का गलत। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 में अब ये थोड़ा एक नई चीज आ गई आपके लिए, आप पहले कोशिश करना, नई चीज पुरानी आपको पता नहीं चलेगा, आप तो सिंपली क्या करेंगे, किसी इक्वेशन वन से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे उसमें डाल देंगे। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 0 = 0 मिल जाएगा, या यहां से y का वैल्यू या x का वैल्यू डालेंगे तो आपको 0 = 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक ही इक्वेशन है, यानी a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2 इक्वल है, दैट मींस द लाइंस विल कोइंसाइड, हेंस इट विल हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका तो आप ऐसे लिख दो हियर, यहां आप लिख दो हियर ए 3/9 −1 / -3 = 3/9, तो ये क्या सब कटा 1/3 आया, दैट मींस a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, therefore the lines will coincide
हैंड्स या लिख दो देयर फॉर इनफिनिटली मैन्यूस इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो 3/9 कर दिया, हमें क्या, हमने हमें पता कैसे चलेगा हम भी ऐसा करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका जब वाई का वैल्यू उसमें रखेंगे तो 0/0 आएगा, आपको पता लग जाएगा यार कुछ लफड़ा है। तो वो तभी होता है जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है, एग्जाम में वैसा आपको आएगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, एग्जाम में यूनिक सॉल्यूशन वाला ही पूछेगा। अगले सवाल की तरफ, फर्स्ट का पार्ट 4, मजा आ रहा होगा कुछ लोगों को अभी। आप मजा आ रहा हो तो मजे लेते रहना, ऐसा नहीं कि 2-4 करके मजा ले लिया, मजा मिले तो खूब लेना उसको। ठीक है, इसको मैं दे दू नंबर 1, इसको दे दू नंबर 1 और उसको दे दू नंबर 2, उसको दे दू नंबर 2। अब इस इक्वेशन में थोड़ा मजा कम आएगा, क्यों? आप रीजन क्या है? क्योंकि पॉइंट लगे, यही रीजन है। तो एक चीज ऐसी है कि किसी भी इक्वेशन को आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ। यही तो एक फायदा है इक्वेशन में, यही एक लिबर्टी है, छूट है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम नंबर। तो पॉइंट हटाना 0.2 किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 से कर दो। और एक दूसरी बात और सोचे, 0.2 अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो यहां क्या आएगा, 2/10x आएगा, यहां क्या आएगा, 3/10y आएगा, इधर क्या आएगा, 13/10 आएगा, ऊपर आएगा 13/10। तो एलसीएम में क्या, एलसीएम इज 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट जाएगा, 10 हट जाएगा। या सीधा ही पॉइंट हटाना, पॉइंट यहां से यहां लाना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट जाएगा, आपका काम बन जाएगा। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2 बाय 10, आपको क्या मिला, 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है, नई आ गई है, 1 और 2 को भूल जाओ, अच्छी नहीं तो भूल जाओ उनको, अच्छी वाली को याद रख लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इक्वेशन 3 या 4 से एक्स या वाई का वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां 2x है, यहां 4y, तो पहले हमें अकेला एक्स मिला था, अकेला वाई मिला था, इस बार अकेला नहीं मिला, तो जो नहीं मिला है जैसा है उसी से हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो यू वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 में देखो 2x = क्या है, 13 - 3y है ना, 13 - 3y बच्चों। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या आया, 13 - 3y / 2 आ गया, ये ऐसा मिला इस बार, ऐसा मिला। ठीक है, जैसा है वैसा ही काम देगा। ठीक, अब बच्चों ऐसा मिला, ये मत बोलना तू ऐसा क्यों है, ठीक है, ये ऐसा ही है। तो पुटिंग इट, ये किधर, 3 का मान है, देखो अभी आप इसको वो भूल जाओ, 3 और 4 को सॉल्व करने का, 3 का मान 4 में 4 का मान 3 में, तो पुटिंग इट इन किसमें पुट करेगा, 3 का है तो 4 में पुट कर, 4 we get, 4 में रखा है, जहां जाए यहां पे गड़बड़ किया, दिस वाज एक्स, ये एक्स था ना, तो 4 जहां एक्स है ये वाला आया, इस एक्स के लिए ये पूरा रख देंगे, 4 into ब्रैकेट लगा दू 13 - ये जो एक्स ये वाला, इसकी जगह बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, एक्स की जगह ये पूरा समान रख देना, 4 into 13 - 3y / 2, डरना नहीं है, +5y = 23 बच्चों। अब इसको आपको, इसका मकसद यह है कि हम x या y में किसी एक को भगाते हैं, x के वैल्यू आया x को भगाएंगे, अकेला y बचेगा, अकेला तो क्या, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, वो आपने 9th में किया था। अब देखो इस 2 को इस 4 से काट दो तो क्या बचा, ऊपर 2 बच गया, 2 into 13 - 3y, ऐसा बचा बाई कुछ है नहीं, बाई चली गई। ठीक है, तो अभी एक काम करते, मैं कचरा ना लिख के आप ऐसा करते हैं, इस 2 को इसे काटा तो 2 4 काटा, ऊपर 2 बचा, ऊपर 2 बच गया, इस 2 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस 2 को इससे इससे करते हैं, तो 26 - 6y
प्लस 5y इक्वल टू 23 आ गया। अब देखो 26 ये माइनस 6y प्लस 5y हो गया, माइनस का y इक्वल टू 23, माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आ गया बच्चों। y का वैल्यू तो किधर रखने का, किधर रखने का, इसमें रखने का, ठीक है ना। तो पुटिंग इट इन, अब जगह कम है, पुटिंग इट इन, y के वैल्यू 3 आ गया, यहां जगह होगा, पुटिंग इट इन कौन सा अच्छा, ये अच्छा है, इसमें रखना, x सीधा मिलेगा और अब यहां लोग तो भी चलेगा। मैं रखता हूं 5 में, x इक्वल टू क्या 13 माइनस 3y यानी 3 इंटू 3 y कितना 2, तो 13 माइनस 9 बाई 2, 13 माइनस 9 कितना होता 4, 4 बाई 2 आंसर इज 2, तो y का x का वैल्यू 2 हो गया। फिर वापस लिखना 10x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 कितना आया, विजिबल होगा यहां पे x का वैल्यू 2, यहां लिख देना 10x इक्वल टू 2, यहां लिखते हैं 10x इक्वल टू 2y इक्वल टू कितना 3 होगी। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर को कंक्लूड करूं जरूर कर लेना बच्चों, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, 2 एंड 3 वाई का एक्स का 2 वाई का 3 है, तो ये कितना होगा 2 टू 4 3 3 9, तो 4 प्लस 9 13 होता है, LHS RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब आपका सही आपके पड़ोसी का गलत। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। अब आप 1 से ले लो 2 से ले लो, मैं तो बोलूंगा 1 प्लस का 1 माइनस का, तो उसको लेना अच्छा रहता है क्योंकि माइनस वाला इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो √3x = √2y मैंने आपके लिए पहले लिख दिया, x इक्वल टू क्या आएगा √8 / √3। अच्छा आप √8 / √3 को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, सिंगल रेडिकल साइन लिख सकते हैं, तो इसको आपने 1 में रखा, x का वैल्यू ये x का वैल्यू 1 में रख दिया, 1 में √2 × x दिख रहा है यहाँ पे x, इसके जगह ये पढ़ दिया √2 × ये पूरा रख दिया √2 × √8 / √3y। अब ऊपर मल्टीपल √2 × √8 होता √16, y का y लिख दिया, √3 का √3 लिख दिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता, 16 का वर्गमूल 4 होता, स्क्वायर रूट, हिंदी वालों स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल एक बार हिंदी वालों के लिए मैं थोड़ी डिक्शनरी भेजूंगा आप लिख लेना। तो अब ये 4 / √3y आ गया, √3y आ गया। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डिनोमिनेटर में यानी हर में √3 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसका एलसीएम कितना, एलसीएम कितना, √3 एलसीएम है तो दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, √3 को ऐसे क्या, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ऊपर क्या होगा √3 कैंसिल हो गया और ये √3 × √3 3 होता है, तो ये कैंसिल हो गया 4y और √3 3 3 हो गया, 4y + 3y = 0, 7y = 0, y = 0/7, किसी भी संख्या को किसी भी नंबर को 0 ऊपर है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। अब y का वैल्यू 0 रख दो, किसी में रख दो, इवन यहां रख दो ना, जो अच्छा है, जो आपने मसाला तैयार किया उसमें रखो, क्योंकि रेडीमेड सामान उसमें रख दो, रेडीमेड चीजों में टाइम कम लगता। पुटिंग इट इन किधर 3, क्या मिला x = √8 / √3, 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 0 × 0 = 0, तो 10 x = 0 y = 0 ये आपका आंसर है। अब 0 का मल्टीप्लाई में मैं थोड़ा आपको एक जोक सुनाता हूं हल्का सा बच्चों। एक बार मैथ के टीचर में और सामाजिक का टीचर जो है ना SST के टीचर में झगड़ा हो गया, सामाजिक वाले टीचर ने बोला मैथ वाले को सर ज्यादा बकवास मत करो मैं आपके पीछे बाबर की सेना लगा दूंगा, मैथ वाले ने यानी गणित वाले ने बोला सर आप भी ज्यादा बकवास मत करो मैं आपको और आप बाबर की सेना को एक ब्रैकेट में बंद करूंगा, कोष्ठक में बंद करूंगा, फिर मैं 0 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी SST वाला टीचर के पास कोई जवाब नहीं था,
एनीवे बच्चों, अब मैं इसी के ऊपर थोड़ा और रिसर्च कर बताता हूं, मैं आपको नोट करवाता हूं। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, नोट करने की, अभी आपने नोट किया भी नहीं, अभी तो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की दुनिया में अभी अभी आपने कदम रखा है, तो ज्यादा इसको आपको पता नहीं अभी, ठीक है। तो आप देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है, यानी आप लिखते हैं ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में, अगर ये सी का वैल्यू जीरो है, इफ सी इक्वल टू जीरो, देन ग्राफ ऑफ दैट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू जीरो, इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ ओरिजिन यानी मूल बिंदु से गुजरेगा, जीरो जीरो से गुजरेगा, क्योंकि ये जीरो जीरो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अभी इसमें कॉन्स्टेंट टर्म गायब है जीरो, इसमें भी कॉन्स्टेंट टर्म गायब है जीरो है, तो दोनों इक्वेशंस के जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मान लो जैसा भी होगा, इसका स्लोप नेगेटिव है, एक ऐसे जाएगी, ये एक लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन लगभग ऐसे गुजरेगी, तो दोनों लाइनों का ओरिजिन पे मिलन होगा, तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी जीरो जीरो। तो नोट कर लो कहीं, आप मैं लिख देता हूं, इफ लीनियर इक्वेशन हैज कॉन्स्टेंट टर्म जीरो, देन ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन। तो आप लिख लो, मैं अभी लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, नोट कर लो ये चीज, एक लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में अगर सी गायब है, देन ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन, नो दैट मीन्स एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड दैट इज 3x माइनस 2y इक्वल टू जीरो एंड रूट 2x प्लस 3y रूट 3y इक्वल टू जीरो। बच्चों तो ये मैं दीज आर लीनियर इक्वेशन कुल मिला के क्यों कर रहा, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप जीरो जीरो रखे, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, इसमें 3 × 0 माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, LHS RHS। तो यहां पे मैंने देखते ही बता दिया था, सोच लिया आप भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिनों में आप भी मास्टर बन जाएंगे। तो ये इसका ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा, क्योंकि जीरो जीरो सेटिस्फाई करता है, इसका ग्राफ भी ओरिजिन से निकलेगा। तो जब दोनों ग्राफ ओरिजिन से निकल रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट जीरो जीरो ही होगा। अब नॉट ओनली लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उनका ग्राफ ये बना सकते हैं, क्यूबिक भी होगा, सॉरी क्यूबिक भी होगा, कहीं पर भी, इफ एनी इक्वेशन आप पढ़ेंगे अगली बड़ी बड़ी क्लासेस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो पढ़ ही रहे, क्वाड्रेटिक तो इसी में आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसका ग्राफ भी है, लीनियर भी होगा। तो जैसे मैंने बोल दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू, इसका ग्राफ ये कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, इसमें जैसे एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ओरिजिन प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है तो निश्चित रूप से ओरिजिन से नहीं जाएगा, ये 5 गायब हो गया ओरिजिन से जाएगा, 5 है ओरिजिन से नहीं जाएगा, 5 गायब है ओरिजिन से जाएगा, ये इसका पैराबोला होगा ऊपर खुलेगा, एक बार तो ये ओरिजिन को टच करेगा, कहीं पर भी टच करेगा, छुएगा छुएगा छुएगा। क्यूबिक में भी क्या होगा, क्यूबिक में भी मान लो 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 100 छोड़ दो ये वाला, इसका ग्राफ जैसा भी होगा ग्राफ ऐसा होगा, एक बार तो ओरिजिन से गुजरेगा, इक्वल टू जीरो होने से, तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है तो उसका ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे किसी भी डिग्री का हो। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों, थोड़ा और पंगे वाला आ गया, देखने में इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, शक्ल तो आप अपना आधार कार्ड देख लीजिए, फिर अपनी शक्ल मैच कीजिए, अच्छी लगती है नहीं लगती, तो नहीं लगती तो क्या करेंगे, जब अच्छा नहीं है तो आप उसको पूरी इक्वेशन को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छी नहीं लगने का जो कारण है वो कारण हटाइए, कारण क्या, क्योंकि फ्रैक्शन है, तो आप इधर का इधर सबका एलसीएम क्या, इधर तो नीचे बाई वन मान लो, एलसीएम इज 6, इसका एलसीएम भी 6 ही है, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2 बाई 6,
ये वन ब्रैकेट में लिखा मतलब इक्वेशन बन गया, टू ब्रैकेट में, ब्रैकेट में गोले में लिखा है तो टू इक्वेशन है, ऑल राइट। तो दोनों तरफ दोनों को छह से मल्टीप्लाई करना बच्चों, वी गेट इसको छह से मल्टीप्लाई किया तो दो छह बाई दो तीन होता, तीन को तीन से मल्टीप्लाई किया नाइन एक्स आ गया, माइनस इसको छह से क्या ऊपर छह नीचे तीन आया दो, और दो को ले ले क्या कर रही यार, हाँ तो ये ऑनलाइन, तो इसको छह से क्या सिक्स बाई थ्री टू, टू फाइव या टेन, माइनस का टेन वाई इक्वल टू छह से इसको भी क्या तो माइनस का बारह, फिर से चेक कर लो बच्चों, सिक्स इंटू दिस, सिक्स इंटू दिस, तो पहले दो के डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए, सिक्स बाई टू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, सिक्स बाई थ्री टू, टू फाइव जा टेन, और ये सीधा ये हमारा ओ दिस वाज नंबर टू, ये हमारा बन गया नंबर थ्री। अब इसको भी छह से करेगा, पहले डिनोमिनेटर छह बाई थ्री कितना, छह बाई तीन दो, दो ऊपर से कीजिएगा दो एक्स, छह बाई दो तीन, तीन वाई हो गया इक्वल टू छह बाई छह कितना हुआ वन, तो ये हो गया तेरह, तेरह, तेरह। हाँ अब देखो, या तो चार से, अब आप वन और टू को भूल जाइए, जो अच्छा नहीं है उनको भूल जाइए, जो अच्छा नहीं है मास्टर चिल्ला रहा है, मास्टर शांत हो जा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी या तो थ्री को या फोर को सेलेक्ट कर दीजिएगा, थ्री और फोर को सेलेक्ट करके कौन अच्छा लग रहा है, कौन छोटी लग रही है, मेरे को तो ये छोटी लग रही है, दो है ना, तो फ्रॉम फोर ये भूल दो, ये अच्छे नहीं थे, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया छह से, अब इनका इस दुनिया में कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं है इनकी, तो फ्रॉम फोर, फ्रॉम फोर क्या मिला, टू एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री वाई, तो x कितना मेरे प्यारे बच्चे 13 माइनस थ्री वाई बाई टू, नंबर दे दो पांच, देते रहो नंबर, क्या कमी है आपके पास नंबरों की। अच्छा अब ये कहां से, चार का मान है तीन में रखना, चार का तीन में रखना है, पुटिंग इन थ्री, पुटिंग इन थ्री, वी गेट ये थ्री है, थ्री वी गेट, थ्री में ध्यान रख बच्चे, नाइन इंटू एक्स, जहां जहां एक्स है वहां ये पूरा रख दो, तो नाइन इंटू क्या ये गोला, थर्टीन माइनस थ्री वाई बाई टू, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चे, तो नाइन वाई हो गया ना, नाइन एक्स, सॉरी नाइन एक्स, माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस का बारह हो गया, अब कोई कटेगा नहीं, ले ये दो इससे नहीं कटेगा, इसे भी नहीं कटेगा, तो फिर वही काम, फिर वही काम, दो इधर है इधर इधर, दो से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो फिर पीछा छूट जाएगा, इसको दो से क्या, तो ये दो से दो कट गया, नौ बच गया, तो नाइन इंटू थर्टीन माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी वाई इक्वल टू माइनस का चौबीस। अब प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, थर्टीन नाइन का कितना होता रहे, याद आ रहा है थर्टीन की टेबल आ रही है, नहीं आ रही तो वन वन सेवन लिख लेनी है, तो माइनस का सत्ताईस वाई और माइनस का ये बीस वाई इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी फोर। हाँ बच्चों तो ये आपने कर दिया, तो दो से मल्टीप्लाई के हर बार लिखना जरूरी, आप लिखते नहीं, आप मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू से ये टू कैंसिल हो गया, फिर क्योंकि इसके नीचे टू था ना, तो आप पहले डिनोमिनेटर देखना, तो टू से टू कैंसिल हो गया, फिर सोचना नहीं इसके बारे में, इधर कुछ नहीं है, तो जस्ट डबल करते जाना। अब मैंने ब्रैकेट खोल दिया, थर्टी नाइन जा वन वन सेवन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो भाई यहाँ पे आपने थर्टीन नाइन जा, थर्टीन नाइन जा वन वन सेवन, ठीक है, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन वाई, देट दिस इज माइनस ट्वेंटी वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, तो अभी आपका ये दिस एंड दिस, दिस बिकम्स माइनस फोर्टी सेवन वाई एंड वन वन सेवन इधर लेके आया, तो इनका सम हो गया माइनस का वन फोर्टी वन, तो माइनस फोर्टी सेवन वाई इक्वल टू माइनस वन फोर्टी वन, वाई इक्वल टू माइनस वन फोर्टी वन बाई माइनस का फोर्टी सेवन, यू गेट वाई इक्वल टू थ्री। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग यहां पे लिख सकते हैं, पुटिंग वाई इक्वल टू
putting it in, कौन से में पुट करना आपको कौन सा इजी लग रहा है, यू कैन पुट द पांचवा सबसे आसान है, वी गेट एक्स इक्वल टू क्या आया 13 माइनस 3 × 3, वाई का वैल्यू 3/2, 13 माइनस 9 / 2 यानी दिस इज 4/2, 4/2 होता 1, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 हो गया, एक्स का वैल्यू 2 हो गया, तो 10 लिख देंगे एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3 हमारा आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट मार्क कर लो, इसको आप लिखते हैं क्वेश्चन 2 में। नाउ यार क्वेश्चन नंबर 2 इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो बच्चों, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन 2 में इक्वेशन दे रहे कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। आप बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आप एक बार नोटबुक में क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन पेपर इसमें आंसर शीट में, तो क्वेश्चन को एक बार वापस चेक करना, कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सो 2x - 4y = -11 -24 एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m = y = mx + 3। तो इसके लिए पहले तो आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू पता करना पड़ेगा, यानी आप इन दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे, आप इनको सोल्व करेंगे पहले। तो बच्चों अभी क्या करने का, 2x + 3y तो ठीक है, आपको देखो जब भी मौका मिले ये इक्वेशन नंबर 2 पूरा 2 even 4 even and 24 even है, तो आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, नंबर छोटे बन जाएंगे, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, तो अभी मैं इसको 2 से भाग दूंगा नहीं, तो दिस विल बिकम x - 2y = -12। और आप यहां लिख देना कैसे आया, डिवाइडिंग बाई टू, हिंदी वालों लिख देना 2 से भाग लगाने पर। अब आप 1 और 2 को सोल्व करेंगे फ्रॉम 2x का वैल्यू, तो लिख दो फ्रॉम 2, हिंदी वालों समीकरण 2 से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y - 12, एक्स का वैल्यू 2y - 12 हो गया। अब ये 2 का मान 1 में रखिए, पुटिंग इन 1, तो 2 × 2y - 12 + 3y = 11, 2 × 2y - 12 + 3y = 2x - 2y - 3y। अब ब्रैकेट खोल दो, 4y - 24 + 3y = 11 आ गया, तो ये कितना हुआ 4y, और ये मिल गया 4y और 3y मिल गया 7y = 11 और 24 मिल गए 35 होता है, 11 और 25 मिल 35, तो आपको मिला y = 5 मिल गया बच्चों। अब आप क्या करना, मैं ये डिवाइडिंग बाय 2 वाला मिटा रहा हूं लाइन, क्योंकि जगह कम बचेगी। अब ये y का वैल्यू पुटिंग इट इन किसमें रखने का, y का वैल्यू 3 में रखिए, y का 3 में रखिए, तो आसानी से आपका आ जाएगा पुटिंग इट इन 3, तो 3 में रखने पर आपको क्या मिला, x = 2 × 5 - 12 यानी 10 - 12 आपको मिल गया, -2 एक्स का वैल्यू -2 हो गया। अब बच्चों आपको पूछना है फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। नाउ पुटिंग x = -2 and y = 5 इन y = mx + 3, इसमें रख देंगे आप x और y का रख देंगे, m का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो 5 = y = 5 हो गया, y का वैल्यू 5 यहां रख दिया, m तो m है और x -2 है, +3 हो गया। अब क्या हुआ,
फाइव इक्वल टू माइनस टू एम प्लस थ्री, उधर ले दो m उधर ले गया, यू हैव गॉट टू एम इक्वल टू थ्री माइनस फाइव, क्या मिल गया टू एम इक्वल टू माइनस थ्री, थ्री माइनस फाइव, तो टू एम इक्वल टू क्या मिला, यहां लिख देता हूं टू एम इक्वल टू मिल गया माइनस का टू, तो m इक्वल टू माइनस वन आंसर आ गया। अब आप फाइनल कंक्लूड कर देना, दस x कितना, y कितना, m कितना, ये कंक्लूजन जरूर लिखना बच्चों। x का माइनस दो, y का पांच, x इक्वल टू माइनस दो, x इक्वल टू माइनस दो, y इक्वल टू फाइव, m इक्वल टू माइनस वन, ये आपका आंसर है। क्योंकि कभी कभी एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी, टीचर चेक करते करते कई बार आपके सही हो रहे सही हो रहे, तो थक जाता है और लास्ट में आंसर ही देखता है और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देता। इसलिए आंसर वाली चीज आप बड़ी सजा करके लिखना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन पार्ट तो इधर है और चौथा पार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री के सिक्स पार्ट है। मैं बच्चों आपको इक्वेशन बना देता हूं, इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्यूशन आता, प्रैक्टिस करना ऑनेस्टली, ठीक है। इक्वेशन बनाना, इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी है और हिंदी वालों आपकी हिंदी व्याकरण भी अच्छी है, ठीक है। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी लिखा है ही, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए क्या कहता है, बाकी आप कर लेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के आप रेखीय समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से आप इनका हल पता कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरे की तीन गुनी बड़ी है। तो अभी आप डिफरेंस, तो मान लो दोनों नंबर यानी दोनों संख्या एक्स एंड वाई, लेट मीन्स मान लो, लेट मीन्स हिंदी वालों, लेट मीन्स मान लो, मान लो या माना, माना की या मान लो की, ठीक है ना, ये लेट मीन्स मानना एक्स एंड वाई। अब आप किसी एक नंबर को बड़ा मानना, एक्स को आपको आपकी मर्जी, आप एक्स वाई से छोटा भी मान सकते हैं। तो आप सवाल पढ़ना और सवाल के अंदर दो कंडीशन छुपी हुई है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 26, तो एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स बड़ा है, आपको दिया हुआ है गिवन दैट, या एटीपी कर दो, एटीपी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको तो नंबर वन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर, कौन बड़ा, एक्स बड़ा है ना, एक्स बड़ा है, तो एंड आप एक और इक्वेशन लिखना, एंड एक्स, और एक तरफ एक्स लिखना, एक तरफ लिखना वाई, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर। दो तरह से मैं समझाऊंगा, कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है, कितना गुना, वाई से तीन गुना है। तो जैसे मान लो एक नंबर 30 है और एक नंबर 10 है, ये बड़ा है तीन गुना इससे, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किसको करेंगे, किसको करेंगे, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना, छोटे वाले को, तो 3 × 10, ठीक है ना, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या किससे करेंगे, एक्स बड़ा है एक्स इक्वल टू 3 वाले, ये ध्यान रखना। या अब सीधी सीधी इंग्लिश समझे, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, यानी एक्स वाई के थ्री टाइम्स के बराबर है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 3 times वाई। अब इसको नंबर दो दे दो, अब दो दे दो, दो में क्या है, सीधा ही है, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, ऐसी आप सीधा क्या करते, दो इक्वेशन दी होती थी, आप फ्रॉम वन या टू से आप एक एक्स का वैल्यू निकालते थे, पुट करते थे, अभी एक्स का वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, रेडीमेड अवेलेबल है, तो फ्रॉम टू पुटिंग एक्स इक्वल थ्री वाई इन वन कर सकते हैं, तो फ्रॉम टू पुटिंग एक्स इक्वल टू थ्री वाई इन वन, इक्वेशन नंबर वन में ये पुट करने के बाद, रखने के बाद, एक्स जहां एक्स है ना वहां, जहां एक्स है यहां पर थ्री वाई रख दीजिए, और एक्स का वैल्यू थ्री वाई यहां पुट कर दीजिएगा, तो थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू 26 मिला, टू वाई इक्वल टू 26, तो क्या वाई इधर आया, दो से भाग लगा, वाई इक्वल टू 13, वाई इक्वल टू 13। अब वाई का वैल्यू आप किस में पुट करेंगे बताइए, किस में पुट करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान, पुटिंग ही थी, आपकी मर्जी, आप वन में पुट करो या टू में पुट करो, पुटिंग इन टू,
तो सीधा x इक्वल टू 3y है, 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू क्या आया, 39 आ गया, 39 ये आंसर। तो देयरफॉर या 10 कर दो, 10 टी एच यू आज 10 मीन्स अतः, अतः हिंदी वालों ऐसा हिंदी अतः है ऐसा आंसर। x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, ये आप आंसर देना, आंसर आंसर मीन्स उत्तर। अब हम चेक करना, वापस रीचेक करना कि सवाल पढ़ना क्या बोला, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो 26 है ना, तो 39 और 13 के बीच का अंतर कितना, 26 है, और एक संख्या दूसरे की तीन गुणी बड़ी है, यानी वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर, तो क्लियर है 13 3 19 हो रहा है, 13 3 39, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है ना, अभी आप ये करते हैं नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 3 में से 5 पार्ट है, उसके कोई भी भाग आ सकता है, कोई भी पार्ट आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो भाई बच्चों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, हिंदी वालों सप्लीमेंट्री एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वाई, सप्लीमेंट्री का मतलब है संपूरक एंगल, संपूरक कोण, संपूरक कोण हो गया, और इंग्लिश वालों जिनका सम यानी जिन कोणों का योग पर 180 डिग्री होता, और इंग्लिश वालों ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंड फिर क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी दो संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स में से बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 बड़ा है, दोनों में 18 का अंतर है, तो एक्स माइनस वाई तो 18 लिख दिया, और सिंस एंगल सप्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई 180 आप खुद लिखेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्रॉम टू आप एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 कर देना, इधर आया वाई तो ये एक्स का वैल्यू 1 में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मैच करना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रूपी 3800। तो अभी क्या करना, मान लो 1 बैट का कीमत एक्स रुपया और 1 बॉल का कीमत वाई रुपया है, एटीपी अभी 7 बॉल 7 बैट और 6 बॉल 7x+6y=3800, एंड उसके बाद 3x+5y है इक्वल टू 1750। अभी आप इसको बिल्कुल ऐसे सिंपल आप खुद करेंगे, इसके से मैंने बना लिए, तो फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 लेना ना, फ्रॉम 2 आएगा 3x=1750 बाई माइनस का 5y, एक्स इक्वल टू आएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 यानी बट्टा 3 आएगा, फिर एक्स का मान 1 में रख देना, आपका आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये आप खुद करेंगे, छात्र स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान रखना, टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्जेज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी उस टैक्सी वाले का अभी एक फिक्स उसने रूल बना रखा है, और पहले तो फिक्स चार्ज लेगा और फिर उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, मान फिक्स चार्ज है, फिक्स आप सीट में बैठ के थोड़ी तो सीट आपने तोड़ी होगी, तो मान लो 5 रुपया है जो भी ये फिक्स है, फिर उसके बाद बोला जितना किलोमीटर चलेगा उस हिसाब से वो भाड़ा ले लेगा, समय में आया बात, पहले तो बैठने का, उसके बाद कितना किलोमीटर जाना है वो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेंगे। तो मान लो फिक्स चार्ज रुपया एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर भी रुपीज वाई, अब कुछ भी हो तो कोई भी मान लो बैठा है, जो भी बच्चा इसमें बैठ गया तो मैं एक्स लिख दिया, एक्स एक्स को बैठने, एक्स को बैठने का ही है, फिर वो गया कितना 10 किलोमीटर का, कितना 1 किलोमीटर का वाई रुपया था, 10 किलोमीटर का 10y है, एक्स प्लस 10y इक्वल टू कितना, कितना लिया उससे, उससे लिया 105, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपका दोस्त, दूसरा एक दोस्त है, बोला मेरे को 15 किलोमीटर जाना है, तो कितना लेगा, बोला पहले तो तू बैठा जो मेरी सीट गंदी की उसका 1 रुपया निकाल, अब निकाला, उसके बाद कितना चलना, बोला मेरे को 15 किलोमीटर चलना है तो 15y ले लूंगा, और अब उसमें क्या हो गया, कितना लिया टोटल नीचे उतरा, तो बोला 155 रुपया निकाल। अब आपको क्या करना है, फाइंड फिक्स चार्ज, तो कुल मिला के अभी क्या, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड आर द चार्ज पर किलोमीटर, आप इसको सोल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इक्वेशन 1 से 2 में रख देना, 2 से 1 में रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप क्या करने का, उसके बाद क्या पूछता है आपसे, उसके बाद पूछता है एक्स, आपको देखो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वाई का आ जाएगा, देन क्या बोला, व्हाट आर हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ
25 किलोमीटर, तो अभी आप क्या करेंगे उसके बाद करना 25 किलोमीटर जाएगा, 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना है आपको होगा एक्स प्लस 25 वाई, एक्स प्लस 25 वाई आपको होगा, आप एक्स का वाई के वैल्यू इसमें डाल देना आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना अभी इसको। बच्चों ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11। एक काम करते जैसे फ्रैक्शन का नाम आया तो आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम करना, मान लेना हिंदी वालों अंश और हर को मान लो, तो मान लो न्यूमरेटर एक्स या डिनोमिनेटर वाई है, हिंदी वालों अंश हर एक्स और हर वाई है, ऑलराइट, तो फ्रैक्शन क्या हो गया एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, ठीक है ना। अब हम इसकी कंडीशन आगे पढ़ते हैं, इसकी शर्तें आगे पढ़ते हैं। क्या बोला, इट बिकम्स 9 by 11। अब वो एटीपी, एटीपी वो कब बनेगी, 9 by 11 इलेवन कब बन जाएगी, कब बनेगी इलेवन, कुछ करेंगे तब बनेगी, कब बनेगी, हाँ इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़ दो, इसमें भी दो जोड़ा, इसमें भी दो जोड़ दिया, दो सम कर दिया, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11, ये 9 by 11 बन जाती है भिन्न, अंश और हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो एड कर दो, दोनों में बिकम्स 9 by 11। अब प्यारे प्यारे बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका लीनियर इक्वेशन बनाना क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी वालों, हिंदी वालों क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब वज्र गुणा कर देना, और वज्र मीन बिजली होती, क्या होती है बिजली, मत गिराना। तो ऐसे किया, ऐसे क्या हुआ 11x + 22 = 9y + 18, आप ट्रांसफर कर दो एक्स एंड वाई वाला एक तरफ, 11x - 9y 18 में से 22 इधर आ गया तो माइनस का 4 बच गया। प्यारे बच्चों फिर से चेक कर लो, 11x + 22 - 9y + 18 = -4 हो गया। अब एक और कंडीशन है, एक और शर्त है, क्या शर्त लगाई है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए एक्स में भी एक्स में वाई में दोनों में 3 जोड़ दो, दोनों में 3 जोड़ दो, ये बनेगी 5/6, 5/6 बन जाएगी। अब फाइंड द फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x + 18 = 5y + 15 हो गया 6×13, तो आप करेंगे 6x - 5y = 15 - 18, आपको मिला -3। आप बिल्कुल इसी तरह से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लेना, आपके लिए आगे मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क बच्चों गृह कार्य खुद करेंगे, इक्वेशन मैंने बना दी है। हाँ बच्चों ये एज वाला क्वेश्चन 5 years हैंच द एज ऑफ जैकब, आप जैसे ही वो एज वेज पढ़ा सवाल पूरा ही मत पढ़ना, तो दो लोग हैं, एक जैकब है एक उसका बेटा, मान लो जैकब की वर्तमान आयु, जैकब प्रेजेंट एज भी एक्स, मान लो जैकब की वर्तमान आयु एक्स है और उसके पुत्र की आयु वाई है, और सन्स एज भी वाई, 5 years हैंच, हैंच मीन्स लेटर, बाद में, आफ्टर, हैंच मीन्स आफ्टर, इंग्लिश वालों आपको भी शायद हैंच का वर्ड नहीं पता होगा, 5 साल बाद जैकब कितना होगा, आज एक्स साल का तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होगा और उसका बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब कंडीशन क्या लगा रखी है, एटीपी में एक तरफ दो जैकब लिख दो, एक तरफ उसका बेटा लिख दो, 5 साल बाद की बात है ये, क्या कंडीशन होगी, जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, जैकब अपने बेटे के 3 गुने के बराबर होगा, किसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, बेटे को मल्टीप्लाई करना, बाप को मल्टीप्लाई नहीं करना नहीं, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी बड़ा है, तो बाप को मल्टीप्लाई क्यों, तो लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना ठीक है ना। मान लो बाप आज 40 साल का है और बाप को 3 से क्या, तो 120 साल का हो जाएगा, 120 साल का तो मुश्किल लग रहा है, तो बेटे को मल्टीप्लाई करना तो बेटे को करना, लोचा नहीं करने का, ये क्या होगा x + 5 = 3y - 15, इधर लाओ x और लाओ x, -3y = -15 - 5 - 20 मिल गया, इसको नंबर 1 दे देना आप।
अगला 5 साल पहले, 5 years ago, हिंदी वालों 5 साल पहले, पहले 5 साल पहले आज जेकब एक्स का है, तो 5 साल पहले जेकब एक्स माइनस 5 का था, बेटा वाई माइनस 5 का था। बिकॉज आप ध्यान रखना प्रेजेंट एज दोनों का एक्स एंड वाई मानना, तो एटीपी। अब 5 साल पहले क्या था, जेकब से एज वाज 7 times दैट ऑफ जेकब, अपने बेटे का 7 गुना था, यानी बेटे के 7 गुने के बराबर था। मैं पहले ही बता चुका हूं बराबर करना, तो बेटे को गुणा कीजिएगा, बाप को मत करना। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, अब उधर जाएगा x और y, x माइनस 7y, ये प्लस का 5 होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई बच्चों, एक ये है और एक ये, आप इनको प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन विधि से करना, सब्स्टिट्यूट मेथड से। इसके बाद आप इसको छात्र स्वयं करेंगे। तो अभी आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 खत्म हो गया है। मेरी तरफ से बच्चों ऑल दी बेस्ट, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना यार, लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।